हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुरेंद्र। और दोस्तों, आज बात करेंगे रीट लेवल फर्स्ट की पोस्टिंग के बारे में और उनकी वेटिंग कब आएगी उसके बारे में। वेटिंग के बारे में मोस्टली अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहां पर ये एक लेटर जारी हो चुका है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक धौलपुर। तो दोस्तों, इसकी तारीख के बारे में बात करें तो ये 9 मार्च का है, ठीक है। और ये इसके जो क्रमांक है वो है, तो ऑथेंटिफिकेशन है इसका। देख लेते हैं इसमें क्या है। दोस्तों, इसमें है रीट लेवल 2018 का अध्यापक लेवल प्रथम की ऑनलाइन कार्यग्रहण की सूचना भिजवाने बाबत। मतलब दोस्तों, इसमें साफ निकल कर ये आ रहा है कि जिन ऑनलाइन कितनों ने ज्वाइन किया, मतलब ज्वाइनिंग कितनों ने ली और उसके बाद कितनी सीटें वैकेंट रहती है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वेटिंग कितने में निकालनी है या फिर रिसेप्ल रिजल्ट कितनों का निकालना है। रिसेप्ल रिजल्ट तो क्या, अब वेटिंग भी निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको पूरा पढ़ के मैं सुना देता हूं आपको। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि निदेशालय से प्राप्त कैलेंडर दिनांक 5/3/2019 के अनुसार दिनांक 11/3/2019 को रिसेप्ल परिणाम अंतर्गत अन्य जिलों से इस जिले में आने वाले एवं प्रतीक्षा सूची से चयनित, मतलब यहां पर रिसेप्ल रिजल्ट और प्रतीक्षा सूची दोनों ही निकाली जाएगी। पदस्थापन काउंसलिंग जिला परिषद धौलपुर कार्य ले में की जानी है। उक्त काउंसलिंग हेतु रिक्त पदों की मांग शाला दर्पण पोर्टल जयपुर से की गई है। इस क्रम में प्राप्त निर्देशानुसार पोर्टल पर कार्यग्रहण करने वालों का अपडेशन चाहा गया है। तो दोस्तों, साफ जो न्यूज है उसमें साफ निकल कर यह आ रहा है कि जल्दी ही आप लोगों की वेटिंग जारी होने वाली है। वेटिंग, अगर दोस्तों आपको लगता है कि आपका वेटिंग में नंबर आ सकता है तो जरूर आप अपने नंबर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि आपके लिए अंदाजा लगाया जा सके कि कितनी वेट कितनों में वेटिंग, मतलब कितने नंबर पे लास्ट वेटिंग रहने वाली है या कट ऑफ कितने रहने वाली है वेटिंग की। दोस्तों, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था अप्रोक्सीमेटली वेटिंग कट ऑफ। तो उसमें जो जनरल की है वह लगभग 104 के लगभग है। जिन लोगों के 104 या 103 नंबर आ रहे हैं उनका वेटिंग में श्योर नंबर आ जाएगा। और ओबीसी के बारे में बात करें तो दोस्तों, 102 नंबर जिन लोगों के आ रहे हैं वो वेटिंग में सेलेक्ट हो सकते हैं। बात करें अगर एससी की तो एससी के 99 या 98 नंबर जिन लोगों के आ रहे हैं उनका पूरे पूरे चांसेस है कि उनका वेटिंग में नंबर आ जाएगा। एसटी के बारे में बात करें तो 93 से 94 नंबर जिन लोगों के आ रहे हैं उनका वेटिंग में नंबर आ जाएगा, क्योंकि इस बार जो वेटिंग आने वाली है वो लगभग 8,000 से 9,000 पदों में आएगी, ये अंदाजा लगाया जा रहा है। दोस्तों, अगर इतनी वेटिंग आने वाली है तो कट ऑफ भी अच्छी खासी डाउन रहने वाली है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे लेटेस्ट और सबसे ऑथेंटिक न्यूज अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम दी जाती है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।